नमस्कार, केएम न्यूज टीवी चैनल में स्वागत है आपका। आज मैं आई हूँ उमरगांव, जहाँ आज वन और पर्यावरण मंत्री श्री रमण भाई पाटकर का आज 68वां जन्मदिन है। तो आज उनके खास दिन पे आज हम उनसे मुलाकात करेंगे। हमारी चैनल की ओर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आपका जो 68वां जन्मदिन है, तो आज आपको कैसा लग रहा है? मैं तो अभी पूरा 1977 से राजकारण में हूँ, और वो टाइम भी तालुका पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और 95 से MLA बन के लोग की सेवा कर रहा हूँ लोगों के बीच में। और जब भी मेरा जन्मदिन के लिए सब लोग इधर आता है, टेलीफोनिक संदेश दिखता है, सबका प्यार मेरे लोग मिल रहा है, वही मैं। सर, राजकारण की शुरुआत के सफर से अब तक आपकी सफर कैसी रही? बहुत अच्छा रहा। इतने दिन तब का लोगों ने मेरे को निभाया, वही मेरी सफलता है। नहीं तो राजकारण में तो एक साल चुनने छुटा जाता है, फिर दूसरे टाइम में वो फेंक देते हैं। मेरा का आज करीब 40 साल तक लोगों ने निभाया, वही मेरी सफलता है, वही मेरी काम करने की पद्धति है, ऐसा मेरे को लगता है। सर, आप अपने जन्मदिन पे जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सब लोग को एक ही संदेश देता हूँ कि आज तक मेरे साथ रहा है, और छोटा बड़ा जो कुछ काम मेरे सामने आए हैं, ऐसा काम लोग को मेरे को सौंपते जाएगा तो मैं वो काम करते रहेंगे, और साथ में रहा है, साथ में हमारा भी राजकारण भी साथ में पूरा है। सर, आज आपका कुछ कार्यक्रम था जो कैंसिल हुआ, वो किस कारण से हुआ? आज हर साल गरीब लोगों को भोजन देना, कपड़ा देना, कुछ सामग्री देना, वो मैं करता रहता हूँ वर्षों से। तो आज हमारा सांस्कृतिक विकास मंडल और से मैंने इधर गरीब लोगों को वस्त्रदान और अनुदान देने के लिए कार्यक्रम रखा था। पूरा सामग्री भी आ गई है, मगर नज़दीक में कोरोना का एक केस कल 5 बजे आया है, इस वजह से मेरी जिम्मेदारी होती है कि वो टाइम में अभी लोगों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, और इस वजह से मैंने कल 5 बजे निर्णय लिया कि भाई कार्यक्रम में ड्रॉप करता। पाटकर जी ने जब से राजकारण में कदम रखा, उन्होंने सिर्फ BJP पार्टी को ही साथ में लेके चले हैं, और उन्होंने आज सादगी के साथ अपना जन्मदिन मनाएंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहे केएम न्यूज़ टीवी चैनल। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरामैन राजेश चौबे के साथ मैं रीता पटेल, गुजरात वलसाड़ से।